नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल आणि तुम्ही पाहताय लोकमत ऑक्सिजन. मंडळी, आपण ना गेला एक आठवडा एका मुलीचं नाव ऐकतोय आणि ती भारतातली पहिली मुलगी आहे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी ऑफ द इयर. ती आहे ऐश्वर्या श्रीधर. खरं तर पहिली व्यक्ती, पहिली मुलगी जिने हा अवॉर्ड जिंकलाय, ती आज आपल्या सोबत आहे. तिचा अनुभव ती आपल्यासोबत शेअर करणार आहे. खरं तर मी खूप एक्सायटेड आहे तिच्याशी गप्पा मारायला. तर आपण थेट जाऊयात आणि भेटूया तिला. ऐश्वर्या, ऐश्वर्या श्रीधर, वेलकम. थँक्यू सो मच ऐश्वर्या. इट इज अ प्लेजर टू हॅव यू हियर. सिरियसली खूप छान वाटतंय की तू आज आमच्यासाठी वेळ काढलायस. अँड थँक्यू सो मच की तू खूप बिझी आहेस, आम्हाला माहितीये, तरी तू वेळ काढलायस, त्याबद्दल खरंच खूप खूप थँक्यू. थँक्यू आपको थँक्यू की आपने मुझे बुलाया यहाँ पे. ओके, सो ऐश्वर्या, फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, वाय फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन? एज इन वाय अ गर्ल इन टू अ फोटोग्राफी प्रोफेशन? बहुत रेयर है ये चीज. और एक अवार्ड जीतना, वो भी नेशनल, मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो अमेजिंग. सो दिस इज एन एक्साइटमेंट टू नो दैट व्हाई फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन. सो मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी मैंने इसलिए चुना एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर चॉइस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इमेजेस यू नो वो जानवरों को और पक्षियों को, हमारे पर्यावरण को एक वॉइस देता है. आप इमेज को देखकर यू नो लोग इमेज से मूव होते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, शायद वो इमेजेस हो या फिर वो वीडियो हो, तो उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारे भारतीय वाइल्ड लाइफ को हमारे फोटोग्राफ्स रिप्रेजेंट करता है. तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने इमेजेस से लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ, हमारे प्लैनेट के लिए कुछ काम करें, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यू नो मैं उन्हें इंस्पायर कर सकती हूँ. तो इसलिए मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग एज अ प्रोफेशन चुना. वंडरफुल, क्या बात है. म्हणजे आपल्या देशासाठी, आपल्या एन्व्हायरमेंट साठी, आपल्या पर्यावरणासाठी ती काहीतरी खूप छान करतीये. खूप खूप अभिनंदन ऐश्वर्या तुझं. माझा दुसरा प्रश्न तुझ्यासाठी असा आहे की तू जो अवॉर्ड जिंकलायस त्याविषयी मला थोडीशी माहिती इथे द्यायची आहे. मंडळी, 80 देशातून 50,000 एंट्रीज होत्या, त्यापैकी तिला हा अवॉर्ड भेटलाय. ऐश्वर्या, रिअली अ हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. खूप खूप अभिनंदन तुला की तू 80 देशांमधून 50,000 एंट्रीज पैकी तू तो अवॉर्ड जिंकलायस, आणि त्याबद्दल तुझं खूप 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 अभिनंदन खरं तर. तर मला जाणून घ्यायचंय की त्या फोटो बद्दल थोडीफार माहिती दे की काय होतं ते फोटो, म्हणजे काय नेमकं काय रिप्रेझेंट करत होतं त्या फोटोमध्ये, काय होतं एक्झॅक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. तो मुझे ये अवार्ड हाईली कमेंडेड अवार्ड मिला था इन द बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी एट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जो इस साल 56th ईयर में है. तो ये जो फोटोग्राफ, जो विनिंग फोटोग्राफ है, वो फायरफ्लाइज के ऊपर है, जो हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं. एंड आई डोंट नो मराठी में उसे क्या बोलते हैं. आई थिंक इट्स खाजे और काजवे. हाँ, काजवे, राइट. तो इट्स दैट. एंड वो आई भंडारदरा, जो मुंबई से उतना दूर नहीं है, कुछ 3-4 घंटे की दूरी पे है, वहां पे ये फोटोग्राफ लिया था मैंने लास्ट ईयर को इन द मंथ ऑफ जून. सो मॉनसून्स के पहले ये फायरफ्लाइज बहुत एक्टिव होते हैं एंड तभी वो लोग दे एमिट दिस बायोल्यूमिनेसेंस, जो उनका एक मेटिंग सिग्नल होता है. तो हम क्या वो लोग क्या करते हैं, दे शाइन ब्राइट, वो चमकते हैं. और द मेल्स डू इट एंड जो फीमेल्स होते हैं वो जब मेल फ्लैश करता है अपने लाइट को दिखाता है तो फीमेल्स यू नो उन्हें पता चलता है कि द मेल इज रेडी टू मेट एंड फिर फीमेल्स भी उसे रेसिप्रोकेट करते हैं एंड दैट्स हाउ द होल थिंग गोज. तो ये जब ये इवेंट बहुत स्पेशल है इन द नेचुरल हिस्ट्री वर्ल्ड एंड तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे ये फोटोग्राफ करना चाहिए. एंड एक पेपर में न्यूज पढ़ा मैंने कि यू नो भंडारदरा में इतने सारे फायरफ्लाइज आए हैं इस बार. सो आई वॉज लाइक ठीक है, चलो मैं जाके इसे इस बार फोटो ले ही लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में मैंने अपनी फायरफ्लाइज देखी थी पनवेल के यू नो बालकनीज में, आती थी मेरे घर पे एट पनवेल एंड वो काफी वो मेमोरी स्पेशल थी. सो मुझे लगा कि उसे डेफिनेटली जब मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर ही रही हूँ तो फायरफ्लाइज का तो एक इमेज बनता है.
सो मैं गई वहां पे, लोगों से थोड़ी बहुत मिली जो लोकल विलेजर्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप नो ये जो एक ट्रेल है, जंगल ट्रेल है, आप वो पकड़िए, वहां पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ठीक है, मैं वहां पे गई। काफी मतलब रात हो चुकी थी, कुछ 6:37 इन द इवनिंग था जब मैंने अपना ट्रेल स्टार्ट किया। चलते चलते मैंने इधर उधर देखा काफी, मतलब फायरफ्लाइज, लेकिन उतने नंबर में नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे। और फिर जाके करीब 2-3 घंटों के चलने के बाद मैंने मुझे ये पेड़ मिला, जो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सितारे जमीन पे आ गए, बिल्कुल वैसा ही लग रहा वाह, था मुझे। एंड इतना इतने सारे फायरफ्लाइज एक साथ एक पेड़ पर। एंड यू नो मी, लाइक मुझे हैरी पॉटर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। एंड टू सी दैट, मुझे उस टाइम पर मुझे ऐसा ही लगा कि मैं कोई मैजिकल लैंड में खड़ी हूँ और ये अर्थ है ही नहीं, जैसे मैं कहीं और ट्रांसपोर्ट ही हो गई। तो डेफिनेटली मुझे मुझे लगा कि दिस इज माई फ्रेम। सो आई वेंट अबाउट क्लिकिंग मल्टीपल इमेजेस ये पूरे सीरीज में, एंड उसको मैंने जाके स्टिच किया, एंड दैट्स हाउ जो जो विनिंग इमेज था वो आया। वाओ, व्हाट अ स्टोरी. मतलब एक फोटो के लिए इतनी मेहनत, एंड ऑब्वियसली ती मेहनत तुला खूप काही घेऊन देते आज, आणि त्या मेहनतीमुळे तू आज एवढा छान, तुला तो अवॉर्ड मिळाला आहे, तो बक्षीस तुला मिळालंय. आणि मला खरं तर पुढे विचारायचं आहे तुला की तू असे कॉन्सेप्ट कसे विचार, म्हणजे कसे तुला सुचतात की मी असं काहीतरी कॉन्सेप्टचा फोटो क्लिक केला पाहिजे. हाउ डू यू थिंक अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स? एक्चुअली ये जो फ्रेम है फायरफ्लाइज का, जिसमें आप सितारे भी देख सकते हो और फायरफ्लाइज भी है एक साथ, वो मुझे पहले से मैंने प्री प्लान नहीं किया था। जब मैं वहां गई थी, तब जब मैंने वो पेड़ को देखा एंड आई वाज क्लिकिंग, थोड़ी बहुत मैंने फर्स्ट टाइट फ्रेम लिया, जैसे क्लोजअप ऑफ द ट्री लिया पहले मैंने, और उसका जो सीरीज था वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो इफेक्ट नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी आजू बाजू में कि मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, और तब मैंने ऊपर देखा एंड आई सॉ द स्टार्स, एंड वो इतने ब्यूटिफुल लग रहे थे। सो मैंने सोचा चलो, मतलब नीचे तो सितारे चमक ही रहे हैं, ऊपर आसमान में तारे भी इंक्लूड कर दो तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा दोनों का। तो तब जाके मैंने उसे सोचा कि आई क्रिएट दिस फ्रेम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं नॉर्मली जंगल जाती हूँ, तब उससे पहले मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस एनवायरनमेंट में जा रही हूँ और मैं किस जानवर या जीव जंतु की फोटो लेने जा रही हूँ, उसका थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में पढ़ लेती हूँ, उसका रिसर्च कर लेती हूँ, ताकि आई नो कि उसका स्पेशल बिहेवियर क्या हो सकता है, थोड़ी आई कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर एज वेल। तो उस हिसाब से आई गो अबाउट क्लिकिंग माई फ्रेंड्स। वंडरफुल, खरंच खूप भारी आहे अनुभव हा तुझा. आता तू एक मेंशन केलंस की तू कुठेही जातेस तेव्हा जाण्याआधी तू तिथल्या जे प्राणी आहेत किंवा तिथे काय भेटत असतील तुला वाईल्ड लाईफ रिलेटेड, तर तू त्याच्याबद्दल एक रिसर्च करतेस. तर माझा इथे असा प्रश्न आहे, मला खूप उत्सुकता आहे हे जाणून घेण्यासाठी की तू आतापर्यंत प्राण्यांचे पण बरेचसे फोटोज क्लिक केले असतील असतील बरोबर? तर एक असा प्राणी ज्याचा फोटो क्लिक करायला तू खूप आतुर होतीस, किंवा तर तुला खूप जास्त डिफिकल्ट वाटलंय त्या प्राण्याचा फोटो क्लिक करणं? डिफिकल्ट एज इन मुझे फायरफ्लाइज का थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुआ, बिकॉज उनका फोकस मिलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बिकॉज वो एक तो रात के समय पे आप जा रहे हो, दूसरा आप टॉर्च भी नहीं शाइन कर सकते उस ट्री पे, क्योंकि आपके टॉर्च से उनका बायोलुमिनेसेंस इफेक्ट होता है, तो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब दैट आइदर। और फिर आप फोकस कैसे अचीव करोगे ट्री पे, क्योंकि फायरफ्लाइज तो इतने छोटे हैं, तो इतने सारे फायरफ्लाइज को मुझे शार्प फोकस में तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, ISO कैमरा में एकदम हाई लेके जाती थी, ताकि मैं थोड़ा आई कैन सी द ट्री, एंड फिर मैं जाके उसका फोकस मैनुअल फोकस पे डाल के करके फिर वापस अपने सेटिंग पे आके, वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे मुझे टू गेट द फोकस राइट एंड टू देन मेक द फ्रेम। तो वो काफी डिफिकल्ट था। फिर जब अपार्ट फ्रॉम फायरफ्लाइज, जब आप समझो टाइगर के लिए आप जा रहे हो, आप किसी टाइगर जंगल जा रहे हो, जैसे तड़ोबा हो महाराष्ट्र में या फिर रणथंभौर हो, तो ये सारी जगह जब आप जाते हो, तब एक तो समर में आपका हीट जो मौसम है
समर में वो बहुत हॉट हो जाता है वहां पे, सो टेम्परेचर्स 45-46 डिग्रीज तक जाते हैं. उस हीट में आपको खड़ा रहना है एंड कभी कभी आपको घंटों खड़े रहने पड़ते हैं जस्ट टू सी अ टाइगर. तो उसके लिए आपको पेशेंस भी जरूरत होती है. जब मैं छोटी थी तो मैं भी कभी कभी पेशेंस खो देती थी और बोलती थी डैडी को चलो यहाँ से, कुछ नहीं दिख रहा है. लेकिन फिर जब मैं जब एज टाइम पास्ड, मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं आप जंगल सिर्फ सिर्फ टाइगर के लिए नहीं जा सकते. आप जंगल जा रहे हो, हर जो भी आपको दिखे वो सब कुछ एक इकोसिस्टम का हिस्सा है. तो सिर्फ एक टाइगर नहीं आपका पूरा सफारी बनाता है, वो चाहे डियर हो या एक बर्ड हो या फिर एक छोटा बी क्यों ना हो, वो सब कुछ जो आप देख रहे हो वो जंगल है, वो टाइगर का घर है. तो उसे आप एंजॉय कीजिए. वंडरफुल यार, दिस इज रियली नाइस. अभी तुमने बताया, आता तू ज्याप्रमाणे सांगितलंयस की तू ताडोबाला जाऊन आलीयस, अजून हाँ तू एका ह्याचं पण नाव घेतलंयस, तर मला सांग बेस्ट डेस्टिनेशन्स फॉर वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी महाराष्ट्रातले काय असू शकतात तुझ्या मते? महाराष्ट्र में डेफिनेटली ताडोबा मेरे लिए महाराष्ट्र का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट सिंबल ताडोबा ही है. आप जहाँ पे जो टाइगर साइटिंग्स आपको मिलता है वो इतना अच्छा है, मतलब इन महाराष्ट्र माय फेवरेट पार्क इज ताडोबा. मैं वो मैं अपना दूसरा घर मानती हूँ. आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, ताडोबा मेरा दूसरा घर है इन महाराष्ट्र. फिर अब मुंबई के आसपास ही बहुत सारे वेटलैंड्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी बर्ड फोटोग्राफी कर सकते हैं. तो जैसे तलावे हुआ नियर एनआरआई सी वुड्स, पांजे हुआ उरन में, फिर यहाँ पे करनाला बर्ड सेंचुरी है, वो भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इन महाराष्ट्र. तड़ोबा के अलावा फॉर टाइगर्स आप टिपेश्वर जा सकते हो, पेंच है, फिर मेलघाट है. दीज आर ऑल ब्यूटिफुल पार्क्स. वाह वंडरफुल, इतने सारे. आई एम गोइंग टू हाँ प्लान समथिंग आउट ऑफ दिस. डेफिनेटली आई यू शुड गो देयर. या थैंक यू सो मच. एंड माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, बीइंग एक मुलगी आहेस आणि तू एका मेल डॉमिनंट प्रोफेशन मध्ये काम करतेयस, खरं तर तिथे जास्त आपण कायम मुलांना काम करताना पाहिलंय किंवा तर ते चॅलेंजेस फेस करताना पाहिलंय, तू त्याच्यामध्ये कसे चॅलेंजेस फेस केलेस किंवा तू कसे कसं तू टॅकल करत होतीस सगळ्या गोष्टी? अगर आप देखे जाएंगे तो सिर्फ एक लड़की होना चैलेंजिंग नहीं है इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. मुझे जो चैलेंजेस मैंने फेस किया है वो मेरे जो जो दोस्त हैं हुआ मेल्स, उन्होंने भी फेस किया है एज अ न्यू कमर. तो हम सब न्यू कमर्स एज सच एक चैलेंज फेस करते हैं, विच इज टू आप एक नए फील्ड में जा रहे हो तो आपको एस्टेब्लिश अपने आप को करना पड़ता है. तो वो प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं उसमें, और जहाँ पे आप अपना काम दर्शा सकते हो, तो वो एक बड़ा चैलेंज है. दूसरा चैलेंज है फंडिंग आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो या फिर आपके फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स हो, तो आप फंडिंग कहाँ से लाओगे? तो वो एक बड़ी चैलेंज है. तो इसलिए जो मैंने किया, मैंने साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग भी स्टार्ट की जब मैंने मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रही थी, ताकि मैं वीडियो एडिटिंग से जो मुझे पैसा मिल सकता है वो मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज में पंप करती थी. तो वो काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता था वहां पे. तो वो फंडिंग डेफिनेटली एक चैलेंज है. उसके अलावा आपको राइट प्लेटफॉर्म पे आपका वर्क टू शोकेस योर वर्क, वो एक बिगेस्ट चैलेंज है. एंड टू ऑलवेज आपके फोटोज को दूसरों से अलग रखना, तो आप कॉन्स्टेंटली उस तलाश में हो. वाव, एज इन किती चॅलेंजेस फेस करताय तुम्ही सगळे, पण तरी तू एवढे चॅलेंजेस फेस करून सुद्धा आणि भंडारदाराला तो फोटो काढलायस तू आणि त्या फोटोला वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी फोटोग्राफर ऑफ द इयरचा अवॉर्ड देखील मिळालाय आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर 80 देशातून 50,000 एंट्रीज पैकी, म्हणजे क्या बात आहे. तू महाराष्ट्राची शान देखील वाढवली आहेस, त्याबद्दल तुझे खूप थँक्यू. खूप धन्यवाद. अँड तुझ्यासोबत गप्पा मारून खूप मजा आलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद की तू आमच्यासाठी वेळ काढलाय. थँक्यू सो मच ऐश्वर्या. थँक्यू ऐश्वर्या, अँड थँक्यू लोकमत. जय महाराष्ट्र. हा, जय महाराष्ट्र. तर मित्रांनो, तुम्हाला कसा वाटला हा इंटरव्ह्यू ते आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजन या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन.